143 सांसदों का सस्पेंशन, इसके बाद मोदी सरकार को कायर करना सही होगा? देखिए, मैं सीधे तौर पे कहता हूँ कि ये जितना कहते हैं ना मजबूत, ये बड़े मजबूर आदमी हैं। इतना मजबूत प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा। बाहर जाते हो सीने पे हाथ रख के कहते हो मदर ऑफ डेमोक्रेसी से आया हूँ, लोकशाही की जननी जो है भारत, लोकशाही की जननी के साथ ये व्यवहार कर रहे हैं आप। ये तौर तरीके हैं। पूरी दुनिया में एक दिन में 150 सांसदों का निलंबन नहीं हुआ। अब सांसदों का निलंबन नहीं कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व का निलंबन कर रहे हैं, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के स्पिरिट को खत्म कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ हैं। चांद का टुकड़ा नहीं मांग रहे हैं मोदी जी। जिस दहलीज को आपने चूमा था ना 14 में, आपने उससे प्राण ले लिए हैं। बस प्राण वापसी की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी, सहयोग करिए। देश की सबसे सुरक्षित इमारत में सेंधमारी करने वाला जो शख्स है, वो जिस एमपी के पास पर आता है वो संसद में अभी भी बने रहते हैं, लेकिन बाकी सांसदों का निलंबन हो जाता है। गांधी के हत्यारे को देशभक्त बताने वाले संसद में है। एक हमारे बहुत इम्पोर्टेंट शख्स, हमारे मेंबर को के लिए गालियां देने वाले, वो संसद में है। महिला पहलवानों के साथ किस तरह की, मैं उत्पीड़न के उन वर्णनों में नहीं जाना चाहता, वो संसद में है। तो आप इस संसद की प्राथमिकता देखिए, मोदी जी और अमित शाह जी की प्राथमिकता देखिए। सस्पेंशन ऑफ 143 पार्लियामेंटेरियंस रिफ्लेक्ट्स द कॉडाइज ऑफ मोदी गवर्नमेंट एंड डज मोदी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द लोकतंत्र। इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। और बड़ी मेहनत से, प्यार से, विश्वास से भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ एक बहुत अच्छा संविधान इस देश को दिया है। और जिस तरह से 150 एमपीओं को यहाँ से, सांसदों को निकाला गया, वो गलत है। और हम पूरी ताकत से मोदी सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। मैम, इस मुद्दे को जनता के बीच पब्लिक आप कैसे लेके जाने वाले हैं? आप लोग लोगों तक लेके जाएंगे। लोग टीवी पे भी देख रहे होंगे, सब जगह पढ़ रहे हैं। जिस तरह से हमारी गलती क्या है, हम सिर्फ किसानों के लिए चर्चा चाहते थे और महंगाई पे चर्चा चाहते थे, और सरकार उस चर्चा से भाग रही है। और जिस तरह से इस सरकार ने 4-5 बिल पास किए, शायद इसीलिए उन्होंने हमको निकाला होगा। जिस एमपी के पास पे सिक्योरिटी ब्रीच करने वाला शख्स अंदर आता है, वो एमपी अंदर हैं और बाकी सांसदों को बाहर कर दिया जाता है। ये कायरता है, ये सरकार कायर कहा जाए। जिसको जो है, जिसकी गलती है वो आराम से बैठा है, जिनकी गलती नहीं है वो सजा भुगत रहे हैं। गलती है भाजपा के नेता, जिसने पास बनाए वो तो आराम से बैठा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। और जो बेचारे कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए कम से कम एक बयान तो आ जाए, उनको आप बाहर कर दे रहे हो संसद से। तो ये तो ऐसे हुआ कि आप सारे बिल पास करा ले रहे हो विपक्ष को बाहर करके, कि संसदीय लोकतंत्र रह कहाँ गया। इससे ठीक तो भाजपा पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग बुलाओ और उसमें बिल पास करा लो। ये वही बात हुई। 140 से ज़्यादा सांसद सर सस्पेंड हो चुके हैं, बाहर हैं आप लोग, लेकिन अब जनता के बीच इस मुद्दे को कैसे उठाने वाले हैं? कैसे पहुँचाएंगे? बातें उठाएंगे जाके, जनता के बीच में जाके सारे मुद्दों को उठाएंगे। डज द सस्पेंशन ऑफ 142 पार्लियामेंटेरियंस shows the cowardice of Modi government, do you think? Yes, I would say that, because all we ask is for an explanation inside the parliament. But the Amit Shah, the home minister, has refused to do so. Yesterday he was there completely in the house when passing the bill. But why he not in a position to express or explain the situation, what happened on the December 13th situation? So now whoever raised their voices, or raised the same question, has been suspended. Now 143 people have been suspended. The entire oppositions are outside the parliament now. So this is undemocratic. That's what I would say. अब तक हम कहते कि लोकतंत्र खतरे में है। नाउ डू यू थिंक मोदी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी? Yes, it is trying to destroy the democracy. The freedom of speech is gone. The oppositions are not allowed to raise their voices. Even if you raise your voices, you've been sent out, you've been thrown out, you've been suspended. So democracy is gone. So we don't have, see, we the voice of the people come from our parliament constituencies to raise the people's issues, and inside the parliament we face these issues. How the people will be safeguarded in this case, because the parliament has been attacked inside the house with security breaches happened on the same day of December 13th. About 22 years ago, the attack was happened. So this, all we ask is for the reason, explanation, what happened, an investigation on it, and it has to be explained inside the parliament. When the home minister can explain it to the social media or outside the parliament, why not inside the parliament? That's what our question is. Whoever raiser voices has been suspended. Now the entire suspended MPs are here outside demanding a request. Still Amit Shah, the home minister, has to explain inside the house. थैंक यू सो मच। भैया आज जिस तरह से मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है और 71% सांसदों को सदन के बाहर का रास्ता दिखाया गया है, ये लोकतंत्र की हत्या की चरम है, अहंकार की चरम सीमा है। और जिस तरह मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए मिमिक्री को मुद्दा बनाया जा रहा है, हमारी लोकसभा स्पीकर कांग्रेस की मीरा कुमार थी, उनको सरेआम टीवी में उनकी मिमिक्री हो रही थी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि यह दलित का अपमान है। अगर ये जाट और किसानों से जोड़ रहे हैं तो गाजीपुर में जब किसान बैठे थे वो जाट भी थे, हरियाणा के भी थे, किसान भी थे और भाजपा वाले पुलिस वालों को कह रहे थे कि इनको लठ मारो हम देख लेंगे। तब किसी भी भाजपा नेता ने किसानों के अपमान और जाटों के अपमान की बात नहीं कही। जब हमारी बच्चियां पहलवान हरियाणा की किसान फैमिली से जाट फैमिली से बैठी थी और वो मिमिक्री हुई है इसलिए नहीं रो रही थी, वो ये बोल रही थी कि हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तब किसी भी भाजपा नेता को उन जाट परिवार की बच्चियों का अपमान नहीं लगा, उनके लिए शर्मिंदा नहीं हुए। आज जिस तरह की छोटी राजनीति हो रही है ये पूरा देश शर्मसार हो रहा है और ये लोकतंत्र की हत्या है। और ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि कल भाजपा वाले ये सर्कुलर भी दे दे कि जितने भी सस्पेंड सांसद हैं वो सदन के भीतर क्या इस गेट्स के अंदर भी नहीं जा सकते। और कल ये भी सर्कुलर आ सकता है कि भाजपा वाले अब बिना विपक्ष के ही सरकार चलाना चाहते हैं।